अंबेडकर नगर में सूबे के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र कुमार ने भाजपा कार्यालय व सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम सारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ता व सभी नेताओं के बीच में प्रस्तावित किए और अंबेडकर नगर को प्राथमिकता में देखते हुए सभी सड़कों का कार्य निर्माण सुचारू ढंग से किया जाएगा, जिससे बाहरी जिलों से आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आज मुख्यमंत्री योगी जी के सरकार में सड़क से लेकर उद्योग रोजगार के लाभ में जो भी लाभार्थी थे उनका भरपूर सहयोग मिला, जहां कोई आना भी चाहता था सपा और बसपा की सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में सब कुछ सुधार हो गया। बाकी शेष बचे हुए कार्य पूरे किए जाएंगे। इन्हीं सब विकास कार्य मुद्दों को लेकर सूबे के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कमल पुनः फिर खिलेगा। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार जेपी यादव व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल देव, वर्मा नगर के अध्यक्ष व कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मौजूद रहे। प्रदेश बन गया है, ये बैंक के आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं, कि सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है। और ये 6 वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश परिवर्तन हो गया है। जहां कोई आना नहीं चाहता था सपा बसपा के जमाने में, आज देश और दुनिया की नजरें यहाँ लगी हैं। निवेश, उद्योग और जो सबसे पहली प्राथमिकता है और वो है नौकरी, आमदनी, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश नंबर वन राज्य देश का बन के उभरेगा। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।